अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो जल्द से जल्द आपको आवेदन कर लेना है। अभी तक कितना आवेदन हुआ है, चलिए वो हम आपको बता दें। डीएलएड में प्रवेश के लिए 6 घंटे में 4000 आवेदन हो चुका। मतलब सोचिए कि मतलब आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, बच्चे मतलब बेसब्री से वेट कर रहे थे और 4000 से ज्यादा आवेदन अब तक हो चुके हैं। पहले 6 घंटे की बात कर रहे हैं, अब तक तो ये संख्या बढ़कर भैया 50,000 के पार हो रही होगी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया बुधवार को दोपहर 1 बजे से शुरू हुई, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम सही करें, यहाँ 2 बजे से शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर में भी कुछ कटिंग कभी कभी गलत हो जाती है। पहले ही दिन शाम 7 बजे तक यानी 6 घंटे में 4000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया, जिसमें से 2700 ने ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर दिया। आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक चलेगी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी और आवेदन के समय में संबंध में मतलब दिशा निर्देश 1 सितंबर को जारी किया था। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रविष्ट अंकित करने के बाद फाइनल सेव करने से पहले अभ्यर्थी को अपने अंकित विवरण का पूरी तरह परीक्षण या मिलान कर ले, क्योंकि सेव करने के बाद अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सीटों की संख्या जरा सुन लीजिए, 233,350 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सिटी वाराणसी और इतने। तो कुल मिला के दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा सीट्स हैं आपके पास, आराम से एडमिशन होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पीएनपी सचिव की ओर से मेरिट सूची जारी की जाएगी। ठीक है, प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रवेश की नहीं आवेदन की। तो देखिए, एक बच्चे के यहाँ पर कमेंट आता है, जो कि हमने कितनी बार आप लोग को समझा होगा कि ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, सर क्या करेक्शन डेट आएगा बीटीसी का, क्योंकि हमारा फॉर्म गलत हो गया है। तो दोस्तों, मैक्सिमम टाइम हमने एक वीडियो कितनी बार बनाई। कुछ बच्चों का कमेंट आता था, सर आप एक ही वीडियो दिन भर में 2-2 बार क्यों अपलोड करते हैं, 4 बार क्यों बनाते हैं, 5 बार क्यों बनाते हैं। और ये वाली नोटिस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये वाली नोटिस साफ साफ इसमें लिखा था। ये कितनी बार नोटिस हमने आपके सामने रखी कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर दिए नहीं है। ठीक है, साफ साफ हमने आपको बता दिया था कि किसी भी प्रकार का आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। एक बार आपने फाइनल सेव कर दिया तो उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा, फिर भी आप लोग से गलती हो रही है, ये काफ़ी गलत बात है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जी, हम फॉर्म भरते समय हमने गलती अब कर दी। ठीक है, वैसे तो हमने हजारों बार आपको समझाया कि गलती नहीं करना है, लेकिन चलिए मान लीजिए आपने गलती कर दी, तो क्या आप गलती किसी से छुपाना है? नहीं, आपने पैसा पेमेंट नहीं किया तो दोबारा से सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दूसरी डालकर। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं, पहली बात, अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो, अगर मान लीजिए आपने पेमेंट भी कर दिया और फॉर्म में गलती है, तो सबसे बड़ी गलती कौन कौन सी होती है? सबसे पहले गलती आती है कैटेगरी की। मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी में आते हैं और आपने देखिए, यहाँ पर देखिए, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपसे आरक्षण मांगा जाएगा, ये कैटेगरी दिख रही ना, और डोमेसाइल। देखिए कोच, कुछ इंपॉर्टेंट इस बार जो 2024 में होगा आपके लिए वो आपको बता दें, कहाँ गलती करना ही नहीं है। पहला आता है डोमेसाइल, अगर आप यूपी के हैं यहाँ पर देखिए, या तो यूपी के होंगे आप या अदर देन यूपी। मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं, गलती से आपने यूपी डाल दिया तो फिर ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से दोस्तों आपकी काउंसलिंग होगी, उसी हिसाब से सारा प्रोसेस होगा, तो आपको फिर से फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। दूसरी मेजर गलती हो सकती है आपकी कैटेगरी को लेकर, मान लीजिए आप आते हैं यूआर कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, जनरल में, और आपने गलती से डाल दिया ओबीसी, और उससे बड़ी गलती आप कर देंगे भैया यूआर के हैं, आप डाल दिए एससी कैटेगरी, क्योंकि एससी कैटेगरी में फॉर्म भरने के 500 रुपये लगते हैं, एसटी में भी 500 लगते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ये गलती सोच के भी नहीं करना है। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपने गलत डाल दिया, मोबाइल नंबर, तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि इस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में कॉलेज के नाम स्पेलिंग में एक बार गलती कर दिए तो चलिए एक बार ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ये नहीं गलत करना है, नहीं है तो अदर डाल दीजिए, बात खत्म। ठीक है, लेकिन जो ये आएगा आपका टोटल नंबर, कितने में से आपको कितना मिला, गलती से भी गलती नहीं करना है,
क्योंकि दोस्तों जो हमारा एडमिशन होगा 2024 वो मेरिट के आधार पर होगा। तो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, इसमें हम गलती कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? गलती कर ही नहीं सकते हैं, तो आपको गलती करनी भी नहीं। काफी बच्चों ने अपना रिजल्ट भेजा, सर हमारा रिजल्ट सीजीपीए में है। तो भाई आप उसको परसेंटेज में बदल के नंबर में उसको लाना पड़ेगा। अगर नंबर में नहीं आ रहा है तो फॉर्म नहीं भर सकते आप, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप परसेंटेज डायरेक्ट नहीं डाल सकते। यहाँ पर आपको टोटल कितने में से कितना नंबर बन रहा है, या तो यहाँ पर एक और थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए वेबसाइट में कि जिन बच्चों का रिजल्ट सीजीपीए में है उसको सीजीपीए में एक्सेप्ट किया जाए। देखिए, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो नंबर के आधार पर तो बनती नहीं है, वो बनती है परसेंटेज के आधार पर। मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 80 है, इंटर में 80 है, ग्रेजुएशन में 80 है, तीनों को जोड़ के 240, ये आपकी मेरिट बनेगी। नंबर तो देखा नहीं जाता। देखिए होता क्या है, ग्रेजुएशन में हर जगह अलग अलग नंबर होता है। हो सकता है कहीं पर 1800 टोटल हो, कहीं पर हो सकता है 4000 का टोटल बन रहा हो, ठीक है? मेन होता है हमारा परसेंटेज। तो पीएनपीए को यह चाहिए कि जिन भी बच्चों का रिजल्ट सीजीपीए, एसजीपीए जिसमें भी है, तो उसको यहाँ पर लाया जाए और थोड़ा सा वेबसाइट में करेक्शन किया जाए, ठीक है? तो अभी जिन बच्चों को रिजल्ट क्लियर नहीं, नंबर क्लियर नहीं, वेट करके फॉर्म डालिएगा, जल्दबाजी मत डाल दीजिए। कुछ भी गलत नहीं डालना है, सिंपल सी बात याद रखिए, फॉर्म भरते समय गलती नहीं करनी, ठीक है? और जिन बच्चों को रिजल्ट सी जी पी ए इसमें आ रहा है ना, वो एक बार किसी डीएलएड के प्राइवेट कॉलेज में जाकर संपर्क कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि फाइनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वही कॉलेज वाले करते हैं, या आप डायरेक्ट में जाकर पता कर लें, ठीक है? क्योंकि वो जो आपको बताए वैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, तो कल को जब आपको डीवी कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा कॉलेज जाकर, तो वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है? सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपये। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ा दी है, ठीक है? ये सब बातें हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर आज धरना, मांगेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जी हाँ, आप लोग डीएलएड में एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन वैकेंसी तो आनी चाहिए ना, आप लोग प्राथमिक के लिए एलिजिबल होंगे। सर क्या डीएलएड फॉर्म के साथ सीटेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चे अभी डीएलएड 2024 बैच में एडमिशन ले रहे हैं, आपका जो प्रशिक्षण या क्लासेस शुरू होंगी वो होंगी 12 दिसंबर से स्टार्ट, और सीटेट का एग्जाम आपको पता है कब होगा? 1 दिसंबर 2024 को। न तो अभी आपका एडमिशन हुआ है, न तो आपकी क्लासेस हुई हैं, तो आप लोग अभी, अगर आप यूपी डीएलएड 2024 बैच के स्टूडेंट रहेंगे या बीटीसी, तो अभी आपको सीटेट मत सोचिए। अभी नेक्स्ट ईयर 2025 में सीटेट जुलाई के लिए फॉर्म आएगा, तब आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? टेंशन खत्म आपकी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर मेरा ग्रेजुएशन में सीजीपीए में नंबर है, कैसे फॉर्म फिल करूं? जब तक आप इसको परसेंटेज से मतलब नंबर नहीं निकाल पाते, फॉर्म नहीं डालना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचें, चाहे वो प्राइवेट हो, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, 235+ चल रहा है, तो आप सरकारी कॉलेज में एक बार संपर्क कर लीजिएगा डायरेक्ट में, ठीक है? उसके बाद ही आगे फॉर्म डालना है। सर क्या डीएलएड के साथ? नहीं, अभी नहीं आपको करना। सर मैंने हाई स्कूल, 12वीं, ग्रेजुएशन सब पंजाब से किया, पर मेरी शादी यूपी में हुई है, 3 साल से यूपी में रह रही हूँ, अब स्टेट यूपी फिल करूँ या पंजाब? देखिए, अगर आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र बन गया है, ठीक है, क्लियर समझ लीजिए, तो आप यूपी डालेंगे, नहीं तो आप अदर देन यूपी में रहेंगे, ठीक है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ना फॉर्म, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर आपका बन गया है तो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, मेरा 248 नंबर है। जी हाँ सर, आप जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। सर काउंसलिंग टाइम ही कॉलेज भरा जाता है? हाँ, अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी आपको कॉलेज का विकल्प नहीं देने, इसके बाद स्टेट रैंक आएगी, उसके बाद आप कॉलेज फिल करेंगे। 222 नंबर पे ज्ञानपुर मिल जाएगा, ठीक है? नंबर थोड़ा सा कम बन रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है भैया बीटीसी की? 700 रुपये जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 500 रुपये, एससी एसटी 200 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप। सर फीस इसकी एक बार में जमा करनी होती है क्या? जी हाँ, 41,000 प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में 10,200। सरकारी में तो आपको टोटल जमा ही करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में एक काम हो सकता है, ठीक है? एक बार आप कॉलेज में बात कर लीजिए, वहाँ दूध का दूध क्लियर, पानी का पानी, ठीक है, हो जाएगा। मतलब क्लियर हो जाएगा कि कैसे, मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ कॉलेज वाले कहते हैं भैया 20-20 हज़ार करके 2 बार में पैसा दे देना, ठीक है? तो होता है। मैं बिहार से हूँ, यूपी से डीएलएड करना चाहता हूँ, मेरे हाई स्कूल में इतने हैं, इतने इतने इतने, ठीक है, और स्नातक में इतने नंबर हैं, 52%। तो
तो एक बार देखिए इतने नंबर आपने डाल दिए हैं। देखिए जब आपका एडमिशन होता है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका वो होता है ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आपका ग्रेजुएशन में यू आर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आप यू आर कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से, ठीक है, अनारक्षित वर्ग में, तो यहाँ मिनिमम 50% आपसे मांगा जाएगा। आरक्षित वर्ग में ये 45% तक जाएगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए कमेंट, सर थर्ड ईयर ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है और नंबर सीजीपीए में, 6 सेमेस्टर के रिजल्ट में, तो सर रजिस्ट्रेशन में नंबर कैसे भरे जाएंगे? देखिए अगर अभी आपका नंबर नहीं निकल पा रहा है, एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर वो क्लियर कर देते हैं कितने में से आपका कितना नंबर बनना है तब तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल वेट करेंगे। जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है वो बीटीसी नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। आरक्षित वर्ग में तो आप 45% तक कर पाएंगे, ठीक है। सर डीएलएड में पीएच कैटेगरी की डायट फीस वही आपकी 10,200, इसमें कुछ नहीं। फॉर्म भरने की फीस 200 रुपये रहेगी, लेकिन उधर उतना ही 240 ओबीसी मिल जाएगा। जी आराम से मिल जाना चाहिए। 175 क्या होगा एडमिशन, प्राइवेट मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर मेरा पिछले टाइम पर आया जाति बना है, कोई डॉक्यूमेंट न्यू तो नहीं बनवाना? देखिए अगर आपका पिछली बार का बना है तो 6 महीने के अंदर का डॉक्यूमेंट कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन के चांस है तो भाई नया बनवा के रखिएगा तब। सर मेरा 238 से डायरेक्ट मिल जाएगा? जी हाँ मिल सकता है। सर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, यूपी से ही हूँ, ईडब्ल्यूएस फॉर्म नहीं है, क्या तब भी ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी चूज करूंगी? नहीं, अगर आपका ईडब्ल्यूएस का बन रखा है तो ही तो आप ईडब्ल्यूएस करेंगे ना। देखिए जनरल कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस तभी लेंगे जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, याद रखिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से भी आते हैं, अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप भैया यू आर डाल दीजिएगा, अनरिजर्व, ठीक है। यही तो हम बात आपको बता रहे हैं। ओबीसी एससी कैटेगरी कौन डाल सकता है? जिसके पास उसका सर्टिफिकेट है। आपने जाति प्रमाण पत्र बना ही नहीं रखा है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप कैसे एससी डालेंगे? या तो पहले आप एससी कैटेगरी का बनवा लीजिए, ठीक है ना, होना अलग बात है, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर प्लीज रिप्लाई, सर फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद फॉर्म का क्या करना है? सर सबमिट करना क्या कॉलेज में? नहीं, फॉर्म प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा पीडीएफ में, उसका बाद में काम आएगा। सर एससी कैटेगरी से हूँ, टोटल नंबर 223 आ रहा है। जी हाँ चांस बनेगा, गवर्नमेंट का भी नहीं तो प्राइवेट तो है ही, ठीक है। थैंक्स सर, चलिए आपका वेलकम है। 237 पर डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी से हूँ। जी हाँ चांस बनना चाहिए, 235 प्लस में काफ़ी चांस है। सर थर्ड ईयर का रिजल्ट में कॉलेज का सिग्नेचर भी चाहिए क्या? नहीं, आपको ऑनलाइन रिजल्ट होना चाहिए, प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा फाइनल जो रिजल्ट है। सर मेरी मेरिट बहुत अच्छी है, हाई स्कूल में 85 है, 12वीं में 85 है, ग्रेजुएशन में 82 है, ठीक है। सर बताइए रिजल्ट कैसे मिलेगा? सर सी एस जे एम यू कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है, रिजल्ट कैसे मिलेगा बताइए सर। सर 2 मंथ पहले जारी हुआ था लेकिन हमने पीडीएफ और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए और यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट की साइट बंद कर दी है, मेरे पास रिजल्ट नहीं है तो कैसे क्या करें? देखिए अब ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, अभी आपको प्रोविजनल भी निकालना पड़ेगा, जाके पहले प्रोविजनल निकलवा लीजिए। अगर आपके पास रिजल्ट का कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो चाहिए होगा, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, जब आपको यहाँ पर टोटल नंबर देके डालना होगा तो आप नंबर कहाँ से लाएंगे? नंबर जोड़ कर ही तो डालेंगे, यहाँ पर टोटल कितने में से कितना बन रहा है तभी तो आपकी परसेंटेज निकलेगी, ठीक है। तो ये गलती आपसे ना होने पाए ध्यान दीजिएगा। तो जब आप डाइट में जाएंगे, देखिए डाइट कॉलेज वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले एक बार मान जाते हैं, लेकिन डाइट वाले ना भैया कुछ अलग ही लेवल का एटीट्यूड होता है, आप जानते हैं सरकारी है तो उनका अलग ही लेवल का एटीट्यूड रहेगा। तो जो नहीं है उसको वेबसाइट पर लगातार चेक करिए, हेल्पलाइन नंबर देखिए, कोशिश करिए कि वो निकले। पहले हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उससे आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में। फॉर्म भरते समय कोई गलती गलती से भी मत करिए, नहीं तो कोई भी करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलेगा। बड़ी गलती की है तो फॉर्म दोबारा भर दीजिए, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षु को आधुनिक लैब के साथ मिलेगी छात्रावास की सुविधा? देखिए लखनऊ से अपडेट आती है, प्रदेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में पढ़ने वाले डीएलएड प्रशिक्षुओं को अब आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। डायट में नई बिल्डिंग, साइंस व मैथ्स की आधुनिक सुविधाओं से युक्त लैब, हॉस्टल, कैंटीन आदि सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इसके लिए प्रदेश की डाइट को अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। चलिए अच्छी बात है, जो बच्चे लखनऊ डाइट में जा रहे हैं, योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया रजिस्ट्रेशन का, कितनी मेरिट पर, 200 प्लस मेरिट पर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ये किस्मत की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी नंबर आपको चाहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।